बच्चिया मेरे पिताजी आप कहां जा रहे हैं? असल बेटा मुझे यहां से जाना होगा। बात क्या है बाबूजी? क्या बताऊं बहू, दरअसल हमारी कविता अब कविता नहीं है। कविता नहीं है? हाँ, सिर्फ शरीर कविता का है लेकिन उसमें आत्मा किसी और की है। क्या मतलब? किसी और लड़की का कब्जा है कविता पर। मैंने अपनी आंखों से आईने में देखा है उस चेहरे को, उस अतृप्त आत्मा को। उसने कविता के जिस्म में अपना डेरा जमाया हुआ है। लेकिन पिताजी आप तो इस विद्या में माहिर हैं, आपको असमर्थ हूं। मेरी शक्ति में उतना सामर्थ्य नहीं कि कविता को सांत्वना से छुड़ा पाऊं। तो अब क्या होगा? कौन बचाएगा हमारी कविता को? देखो बहुत, छुटकारा पाने के लिए मुझे अपने गुरु बाबा को यहाँ लाना होगा। तो आपके गुरु बाबा यहाँ आएंगे या कविता को वहाँ लेके चलेंगे? नहीं बेटा, कविता को यहाँ से ले जाना मुमकिन नहीं। देखो आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, दादा हूँ उसका, आप लोगों से ज्यादा प्यारी है मुझे वो। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बाबू जी आपको इतना यकीन है अपने गुरु बाबा पर, तो उन्हें संदेशा भेज देते हैं, आप क्यों जा रहे हैं? नहीं बहू, वो गुरु है मेरे, मुझे रायपुर जाकर उन्हें लाना ही होगा। चलिए आपको छोड़ा दे। आप सभी लोग ना आए, कविता के पास किसी ना किसी का रहना जरूरी है। अच्छा बेटा, ख्याल रखना। अच्छा मैं निकल रहा हूं, और तुम सब लोग कविता के पास रहना। हाँ, और वो जब उठेगी तो मेरे बारे में जरूर पूछेगी, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं किसे लाने गया हूं। और हाँ, मधु का भी ख्याल रखना। मैं निकलता हूं, मैं बाबा जी को लेकर तुरंत पहुंचता हूं। बिल्कुल चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा।
लिए पापा मुझे मार डाली है। मैं सब फसाद की जड़ हूं, मेरी वजह से आज दादाजी नहीं रहे। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। पापा, सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान मत बनिए। मुझे खुद पता नहीं मेरे अंदर कौन है। आज खुद उसका सामना करना चाहती हूँ, उसे कहना चाहती हूँ तू मेरी जान ले, लेकिन मेरी वजह से किसी और की जान मत ले। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। कविता, कविता देखो, कविता मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना सबको करना पड़ता है, और पिताजी की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। अब झूठ बोल रहे हैं पापा। नहीं बेटा, तुम खामोखा अपने आप को दोषी मत ठहराओ। जो कुछ हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। आप चाहे मुझे कुछ भी समझ लें, कुछ भी कह लें मुझे, लेकिन पड़ोसी होने के नाते मैंने कभी भी आप लोगों का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम यहां से चले जाओ। मैं जा रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन कविता को हमेशा मैंने अपनी बेटी की तरह समझा है। एक बात और, आपको जब भी वक्त मिले तो आपके घर के बाहर आपके लेटर बॉक्स में मैंने एक पर्ची डाली है, हो सके तो उसे पढ़ लीजिएगा। प्रणाम। भाई साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कविता के साथ क्या हो रहा है। बाबूजी थे तब तक मैंने मदद करने का हाथ आगे नहीं बढ़ाया, मगर अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। कविता को छुड़ाने के लिए प्रखर तांत्रिक ही चाहिए, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। इस खत को पढ़ने के बाद आप इसे चला देना, कविता की नजर में नहीं आना चाहिए। अब ये बात हमारे बीच मन ही मन रहेगी, क्योंकि अतृप्त आत्माएं सुन लेती हैं। इसलिए आप इसे बिना बोले बिना बताए चुपचाप आप इस खत को नष्ट कर दीजिए। प्रणाम।
अरे कविता, कविता बेटा, क्या है मम्मा? खाना लगाया बेटा, आके खा लो। मम्मा दीदी और पापा को आने दो ना, साथ मिलके खाएंगे। अरे उनको देर हो जाएगी आते आते, तुम खा लो। मामा मैं आती हूँ, दो मिनट रुको। हेलो। नमस्ते आदाब, मैं जोहरा बोल रही हूँ। कहिए क्या काम है आपको? कविता, मेरा मतलब उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सब खैरियत तो है वहाँ? जी सब ठीक है। मैंने सोचा आप बच्ची की हालचाल पूछ लूं, जरा बात करवाएंगे उससे। कविता घर में नहीं है, वो सहेली के घर गई है। कब तक आएगी वो? मैं उसकी आवाज सुनना चाहती थी। वो बहुत देर से आएगी। नमस्ते। हेलो, गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल बच्ची से बात करने के लिए जी तड़प रहा था इसलिए। वो तो घर में नहीं है, मैंने बताया ना आपको, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब कुछ भी हो, अब एक बार कान खोलकर सुन लीजिए जोरा भाई। आपने पहली बार फोन किया है इसलिए मैं बता रही हूँ, दोबारा मेरे घर फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए कोशिश तो उस बच्ची ने की जो मेरी कोठी तक चलकर आई, और ये मेरी शराफत थी कि मैंने आप लोगों को फोन किया। वरना वरना क्या क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, इस वक्त आप होश में नहीं हैं। मैं बाद में फोन करूंगी, लेकिन हाँ बच्ची से इतना जरूर कही कि जोहरा बुआ याद कर रही थी। खुदा हाफिज। सोरा का फोन आया? क्यों? पता नहीं, मैं भी यही सोच रही थी उसने दोबारा फोन क्यों किया। हाँ पर उसने फोन करने की वजह तो बताई होगी। कह रही थी कविता से बात करना चाहती है, काफी याद आ रही है। याद आ रही? मतलब? पहली बार तो मैंने गुस्सा करके फोन पटक दिया, उसने दोबारा फोन किया फिर से, और तब तो कविता के बारे में ज्यादा ही प्यार जता रही, और मुझे डाउट तो दोबारा उसने फोन किया तो कविता एक्सटेंशन पर हमारी बातें सुन रही। तू क्या हुआ? पापा, मम्मी, मम्मी कविता कमरे में नहीं है। क्या? कमरे में नहीं है? पता नहीं, हम साथ में सो रहे थे, मेरी करवट बदली तो वो गायब हो गई।
जोरा भाई ये कौन है? ये सब क्या हो रहा है? गाना क्यों बंद कर दिया? ये सब क्या हो रहा है? जोरा भाई एक लड़की है क्या वो? बाहर बोले तो निकाल दो। आदाब बुआ। तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो? और तुम मुझे बुआ क्यों कहती हो? मेरे अलावा तुम्हें और कौन कह सकता है बुआ? तुम ही चाहती थी ना कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधू, तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करूं। तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। अगर उस दिन मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध लेती तो मुझे कुछ नहीं होता। अब तो कबूल करो बुआ। उस्ताद जी शुरू कीजिए। I'm sorry!
जोरा भाई, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अकेला कविता की सारत में घर नहीं ला सकता। लेकिन आखिर उसे आप कब तक बांध कर रखे? मेरी बेटी है, जब तक होश में नहीं आएगी। लेकिन ये आपको भुआ क्यों कहती है? मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन वो आपकी बेटी नहीं, मेरी शब्बू है। शब्बू? हाँ, बेशक वो आपकी बेटी है, लेकिन जो उसके अंदर है वो आपकी बेटी नहीं, वो मेरी शब्बू है। वो कविता के जिस्म के भीतर का हिस्सा बन चुकी है। जी? जिस दिन आपकी बेटी ने मेरे कोठे पर पहली बार कदम रखा था और मुझसे कहा था मैं आ गई हूं बुआ, मैं तभी पहचान गई थी वो मेरी शब्बू है। शब्बू जो आज से 3 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। नहीं नाचूंगी मैं, नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। मैं कोठे की जिंदगी नहीं जीना चाहती बुआ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शब्बो, क्या हो गया तुझे? क्या चाहती है तू? बुआ, जब से मैंने होश संभाला है मैं आपकी एहसान मंद हूँ। आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई की, क्या क्या ये सब आप ही बताइए बुआ? क्या ये दिन देखने के लिए कि मैं अपने पैरों पे घुंघरू बांधकर आवाज बनू? शब्बू, तूने पढ़ाई की थी क्योंकि वो तेरी खुशी थी, तेरा अरमान था। तुझे पता है मैंने आज तक इस कोठी की किसी लड़की का कोई अरमान पूरा नहीं किया, सिर्फ तेरा किया है। क्यों? कि तू मेरे लिए उन सब से बढ़कर है, तेरे साए की तरह। मेरे बाद इस कोठी की रौनक तुझे ही बनना है मेरी बेटी। लेकिन मैं किसी और घर की रौनक बनना चाहती हूँ बुआ, शादी करना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तेरी उम्र में मेरा भी यही अरमान था शब्बू, मगर तवायफ की मांग में सिंदूर नहीं पड़ा करता। क्या आपकी सोच है बुआ, आपकी सोच है, लेकिन सही है, क्योंकि मैंने आज तक किसी कोठे की रौनक को किसी घर की शोभा बनते नहीं देखा। लेकिन मेरा सपना तो साकार हो रहा है ना बुआ। शब्बू, तुझे पता है तू क्या कह रही है? अगर ये बात मैंने आपको पहले बताती होती तो आप मेरा कॉलेज जाना बंद करवा देते। कॉलेज के दौरान ही मैं उससे मिली थी। वह तो मेरे अतीत के बारे में जानता है और उसके बावजूद भी मुझे अपनाना चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं वह। तो बात यहां तक पहुंच गई है। ये तूने अच्छा नहीं किया शब्बू। तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है। बुआ, बुआ मुझे माफ कर दो बुआ। सुन, कल उसे यहां बुला, मैं फौरन उससे मिलना चाहती हूं। मैं तेरी शादी के लिए तैयार हूं।
आइए तशरीफ रखिए। तो आप है भूषण जी? सुना है शब्बो को इस कोठी से ले जाना चाहते हो? जी मैं शब्बो को इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूं, एक रुतबा देना चाहता हूं। हम अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मैं अमीर नहीं हूं लेकिन इतना जरूर कमा लेता हूं जिससे हम दोनों का गुजारा हो सके। काम क्या करते हो? जी मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूं और शब्बो के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। जानते हो आज तक इस कोठे पर किसी लड़की ने इतनी जुर्रत नहीं की कि वो नाच के अलावा और कोई ख्वाब देख सके। आप घबराइए मत जोहरा जी, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। शर्मिंदा तो हम हो ही चुके हैं, मैं तो इतना भी नहीं जानती कि तुम कौन हो क्या करते हो, लेकिन मैंने अपनी शब्बू की परवरिश बहुत लाड से की, मुझे इस पर बहुत भरोसा है। बुआ मैं आपका ये कर्ज भी चुका दूंगी। छोटी है अभी तो, बच्ची है, और जोहरा ने आज दिन तक एहसान किया है, किसी का एहसान लिया नहीं है। बेटा तेरी परवरिश ही मेरी सदका है। बुआ हम आपको साबित कर देंगे कि आपका फैसला कभी गलत नहीं था। ठीक है, खुदा तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। जाओ बेटा। Thank you, sir. And all the best. क्या देख रही है मेम साहब? कितनी अच्छी जगह है भूषण, ऐसा लगता है यहीं आके बस जाए। इसीलिए तो तुमको यहाँ लाया हूँ। जगह तो खूबसूरत है ही, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ओ भूषण। चलो। गुड आफ्टरनून भूषण जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। महाबलेश्वर में आपका स्वागत है। होटल पैराडाइज की तरफ से आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ खो गई मैडम? ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। ओ भूषण क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। अरे इतनी दूर से हम सारी रस्मों को तोड़ कर आए हैं,
और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? भूषण छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। भूषण क्या करो भूषण, छोड़ो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था पुद्धू। भूषण जानते हो क्या है? लाइसेंस ऑफ मैरिज, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। भूषण ये मंगलसूत्र है, जब औरत ये मंगलसूत्र पहनती है तो उसका रुतबा उन 7 फेरों से ज्यादा हो जाता है, और ये पहनने के बाद एक औरत औरत कहलाती है और हमेशा अपने पति को अपने पास पाती है। तुम नहीं जानते भूषण आज मैं कितनी खुश हूं। तुमसे ज्यादा तो आज मैं खुश हूं, क्योंकि तुम्हें यह नहीं मालूम कि आज मुझे क्या मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पासा। भूषण अल्लाह जी, भूषण अल्लाह जी, अल्लाह जी तू। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे बुआ को फोन नहीं करना था, उसको यहाँ पहुंचने की खबर नहीं देनी थी। तुमने अभी तक फोन नहीं किया? जाओ उठो जल्दी जाओ। मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे मुंबई से आते आते गाड़ी में जो मजे लिए मैंने, तुम लोगों को बताऊंगा तो मजा आया यार। और मदन जी आप तो कमाल करते हैं, मैं इतने सालों से बॉस के साथ काम कर रहा हूँ और आपको विश्वास ही नहीं? अरे भूषण अब विश्वास की बात छोड़ो, अब ये बताओ माल कैसा है? भाई ये तो बताओ इतनी जल्दी माल कहाँ से पटाया? पटाया? अरे भाई बाकायदा शादी करके लाया हूँ विद लाइसेंस। देखो भाई कोठे वाली है, अगर है उसूलों की पक्की संभल के छूना। कोठे वाली, कोठे वाली है तो और अच्छा, ना बाप का पता ना खानदान का। अच्छा भाई बाहर निकालो बाहर। ये रहे पूरे 10 लाख, अब सब वो हमारी हो गई। हाँ मेरा नाम भूषण है, और आपका? शबनम। मैं कॉलेज में तो नहीं पढ़ता, लेकिन आपको देखने कॉलेज जरूर आता हूं। आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे? मैं इस तरह की दोहरी जिंदगी नहीं जीना चाहती, बुआ के साथ कुछ और तुम्हारे साथ। तुम ही मुझे इस दलदल से निकाल सकते हो। मेरी जरूरत सिर्फ तुम हो भूषण, सिर्फ तुम। मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ और ये सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो। भूषण तुम मुझसे शादी करोगे ना? अच्छा मैं अभी चलता हूँ, चप्पू मेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन यार अभी वो क्या कर रहे हैं? अरे यार इंतजार तो करो, मिलते हैं ना शाम को। अच्छा
शब्बो 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 मैं हूं शब्बो शब्बो